لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أنفقتم من أيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحمل راتبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ कल का दरसे कुरान हमने सूरह अल बैकर के शेड्यूल से हट के आपके गोश गुजार किया। जिस तरह कल का मौजू बड़ा अहम और वाजिबाती था कि बाहर सफर में हमारे माशरे में बहुत सारी बदशगूलियाँ और बहुत सारे तवाफात इस महीने से रिलेटेड किए जाते हैं, उनकी शरण हैसियत के बारे में आपको बता दें। आज का मौजू बड़ा अहम है और वो है कसम के बारे में। तो तवज्जो से सुनिएगा कि कसम होती क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और जो शरण कसम है अगर वो पूरी ना की जाए तो उसका कफारा क्या है। ये चीज़ें आज की गुफ्तगू में थोड़े से वक्त में जानवर अंदाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मरीजत ने फरमाया कि यार मरीजों से आप पर बता तो हर एक रुपये ये बात माँ अहमदल्ला हो एक मसला है कि आए ईमान वालों जिन चीज़ों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उनको अपने लिए हराम न करो। ये इससे पिछले दस में जो कि ये बात आ रही थी कि बनी इसराइल के लोगों का ये तरीका था कि वो अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हलाल कर देते, अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हराम कर देते। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मना किया कि तुमने ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हलाल कर दो, अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हराम कर दो। तो ये अपना मना है शरीयत। और आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, बिलखसूस ऐसे लोग के जो ज़्यादा इल्म के बगैर अपने आप को सूफी इज़्ज़त में और अपना फकीरी लहर में रखते हैं ना, तरीकत वाली लहर में, इल्म के बगैर, यानी अगर इल्म हो और साथ में तसव्वुफ़ वाली लहर हो ये तो सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा। लेकिन जिस बंदे को इल्म नहीं है और वो सूफी इज़्ज़त की तरफ दिन ब दिन अपने आप को लेके जाता है तो ऐसे लोग जो है इस गलती का शिकार रहते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने लिए भी अपने घर वालों के लिए भी ऐसी मना कर देते हैं कि जिनको शरीयत ने मना नहीं किया होता। फिर खाने पीने के मामलों में, पीने के मामलों में, बर्ताव के मामलों में, खुशी गमी के मामलों में तो शरीयत ने जो है वो पाबंदी नहीं लगाई होती तो वो अपनी तरफ से जो है उस पाबंदी को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। तो ये शरीयत ने मना है और ऐसी जुर्रत करनी भी नहीं चाहिए कि जब भी किसी चीज़ के हलाल हराम का मामला हो या किसी चीज़ के जायज़ नाजायज़ होने का मामला हो और आपको पता ना हो
आदम की रहनुमाई के बगैर, किसी भी आलम दीन की रहनुमाई के बगैर उस चीज के हवाले से अपनी तरफ से ये न कह दिया जाए कि ये ठीक है, ये गलत है, ये हराम है, ये हराम है। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि जहाँ पे चार पांच बंदे बैठते हैं तो आपको ये मुफ्त का मुफ्ती जो है वो जरूर होता है, ठीक है। तो ऐसे मुफ्त वाले जो मुफ्ती होते हैं उनकी गुफ्तगू भी नहीं सुननी चाहिए और उनके मसलों से भी अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है। मसला बताना, मुफ्ती होना, दीन के हुक्म से आगाह करना, ये कोई ऐसे खालत जिनका घर नहीं है कि मतलब जो मर्जी जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी जो है वो शरीयत पर बात करना शुरू कर दे, बल्कि इसका एक बकायदा तरीका है, मियाद है, मैरत है, जो अल्लाह के कुरान में भी है, रसूलुल्लाह के फरमान में भी है। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई फतवा देना और किसी हलाल को हराम कर देना ये कतअन जो है जायज नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया बता था हद से ना बढ़ो, यानी अगर तुम किसी चीज को हराम कर दोगे जो अल्लाह ने हराम नहीं की तो हद से बढ़ गए। अगर तुमने किसी चीज को हलाल कर दिया जिसको अल्लाह ने हलाल ना किया तो हद से बढ़ गए। तो हद से नहीं बढ़ गए। इस्लाम जो है मियां रबी का दर्श देता है हर मामले, और इस्लाम एक इंतदाल पसंद जो है वो दीन है। हर मामले में इस्लाम कहते हैं कि मियां रबी इख्तियार करो, इंतदाल इख्तियार करो, हद से आगे न बढ़ो, ठीक है। हद से ज्यादा खाना खा ले तो वो जो है इंसान के लिए कई मेडिकल मसाइल खड़े कर देता है। तो इसी तरह अखराजात में जो है अपने आप को इंतजार में रखो, खुशी गमी के मामला में, उठने बैठने के मामला में, हत्ता के इबादत के मामला में, इबादत के मामला में। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम हाजिर हुए, उनमें हजरत उमर फारूक भी हैं, हजरत अली भी हैं। हजूर सल्लम के पास जब वो बतौर मेहमान आया तो हजूर के घर से कुछ खाने के लिए भेजा गया। तो सहाबा ने हजूर को देना चाहा तो हजूर सल्लम ने फरमाया मेरा रोजा है। अब जो सहाबा की नाम आया वो कहने लगे रसूलुल्लाह आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपके मुकाबले में हमारा तो कोई मेयार ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका रोजा है, आप तो आखिरत में हमसे बहुत आगे होंगे, आयता हम भी अपने आप को जो है हर वक्त रोजे की हालत में रखें। हजूर ने फरमाया नहीं, फरमाया मैं नबी हूँ, अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है, अपने आप को हर वक्त रोजे में नहीं रखना, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जान का भी हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है, तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारी माशरती जिम्मेदारियां भी है, ये नाव के दिन इस काम में इतना आगे चले जाओ कि तुम्हें बाकी सारे मामला जो है वो भूल दिए। इसी तरह हजूर एक सहाबी के घर में गए, वहां पे एक रस्सी बांधी हुई देखी, हजूर ने फरमाया ये क्या है, तो बताया कि यार सुन लो ये आपकी सहाबी है यहाँ पे बैठ के इबादत करती है, जबकि इबादत कर करके थक जाती है, नफल पढ़ पढ़ के थक जाती है, तो वो पे रस्सी को पकड़ लेती है और अपने आप को जो है वो सुकून दिलाती है। आका ने फरमाया अभी खोल, और आका ने फरमाया जितनी इबादत खुशी से और आसानी से कर सकते हो करो, जब थक जाओ तो अपने आप को जो है आराम के लिए बिठा दो। ये असल ये है कि दीन के किसी मामले में जो है इस्लाम हद से बढ़ने की इजाजत नहीं देता। और हमारा जो माशरा है ना, और खास तौर पर हमारा जो दीनी तबका है, इसमें तो कई मामलात में जो है हदों को इस तरह तोड़ा गया है कि हद को तोड़ के जहां पे खड़े हैं ना उसको हद समझ लिया गया है। और इसलिए हमारे यहाँ इंतशार है, बेचैनी है, फिर कवरियत है, जहालत है, फिर बेअमली है। तो शरीयत में जो है जो हदूद है उनके अगर आज भी मुतफिक हुआ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम जो है वो किसी के लिए मुश्किल है। फरमाया इन्नल्लाह हु कदीर, अल्लाह जो है हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए रिस्क बनाया है उसमें से हलाल को खाओ, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, अल्लाह से तुम मोमिनो जिस अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो तो फिर उससे डरोगे। ये नहीं है कि अल्लाह पर ईमान है लेकिन उसकी मानते एक नहीं हो, अल्लाह पर ईमान है उसकी हदों को तोड़ते हो, अल्लाह पर ईमान है और अपनी जिंदगी में जो है अल्लाह रसूल के हुक्म को अहमियत नहीं देते, ऐसा न करो।
अब फरमाया ला युआखिज़ुकुम अल्लाह बिलग़वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी उन कसमों का मुआखज़ा नहीं करेगा जो लग़व है, यानी जो फजूल है। शार्ट कर देता हूँ ताकि वक़्त जो है ज़्यादा ना हो जाए। कसम तीन किस्म की होती है। एक कसम होती है जिसको यमीन लहू कहते हैं, लहू जिसका यहाँ पे जिक्र है, यमीन लहू। यमीन लहू का मतलब है कि गुज़श्ता ज़माने में, माज़ी के ज़माने में किसी काम के होने या ना होने पर एक बंदा कसम खा दे, तो ये यमीन लहू है। मसलन कोई कह के कसम से मैंने ये देखा था, कसम है फलां काम हुआ था, अगर वो काम हुआ था तो भी और नहीं हुआ था तो भी है, इस कसम की कोई हैसियत नहीं हो। एक बार दूसरी होती है यमीन गबूस। यमीन गबूस का मतलब है झूठी कसम का, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा झूठी कसम खाता है अल्लाह ताला उसको जन्नत से महरूम कर देता है। झूठी कसम खा के माल बेचने वाला माल तो बेच लेता है लेकिन उसके माल में बरकत नहीं होती, उसके माल में बरकत नहीं होती। और एक होती है यमीन मुनाकिदा, जो असल कसम। यमीन मुनाकिदा का मतलब यह है कि आने वाले जमाने के बारे में, आने वाले जमाने में किसी काम को कसम के साथ मुकर्रर करना, यानी कोई बंदा ये कह के अल्लाह की कसम कल मैं ये काम करूंगा, परसों ये काम करूंगा, तो ये शायद कसम होती है, इसका पूरा करना जरूरी होता है। अगर आने वाले जमाने के बारे में किसी ने कसम खाई और उसको पूरा न किया तो फिर उस पर कफारा होगा, कसम तोड़ने का कफारा होगा। और कफारा जो है कसम का वो चार तरह का है। नंबर एक अल्लाह फरमाता है इताम आशर मिस्किन के मसा की, 10 मिस्किनों को खाना, यानी बंदे ने कसम खाई और पूरी नहीं कर सका या उसने कसम तोड़ दी तो उस पर जो है वो कफारा लाजिम होगा। 10 मस्किनों को जो है सुबह शाम का खाना खिलाएगा या 10 मस्किनों को सुबह शाम के खाने के पैसे देगा। ठीक। दूसरा अगर खाना नहीं खिला सकता अल्लाह फरमाता है और किस वक्त या उनको कपड़े दे दे, कपड़े भी नहीं दे सकता फिर फरमाया तहरीरो रकबा, एक गुलाम को आजाद कर दे, अब गुलामों का दौर नहीं है। चौथा अल्लाह ने फरमाया फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्याम, जो बंदा खाना भी नहीं दे सकता 10 बंदों के कपड़े भी दे सकता फिर वो कसम का कफारा 3 रोजे रख के पूरा करे, यानी 3 रोजे रखेगा और वो 3 रोजे जो है कसम का कफारा कहलाएंगे अगर वो कसम तोड़ लेता है। तो अगर जो है वो इनमें से कोई कफारा भी अदा नहीं करता कसम भी तोड़ देता है तो फिर जो है वो गुनाहगार होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वहफ़ज़ु अयमानकुम, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला जो है तुम्हारे लिए आयात को वाज़े कर देता है ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अपना तो किसी मामले में जो है कसम तक नौबत नहीं आनी चाहिए, अगर कसम तक नौबत आ जाए तो फिर उसको उलट दिया जाए। अच्छा इसके अलावा एक और अहम बात अर्ज कर दो, कसम एक किस्म की गारंटी होती है। हमारे यहाँ एक मजाक बनाया हुआ है कसम को कि कोई औरत आगे बच्चे को लेकर ये तेरे बच्चे के सर की कसम, ठीक है, ये तेरे सर की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, ठीक है, हजूर सल्लम के गुंबद खजरा की कसम, मस्जिद की कसम, इन कसमों की कोई वैल्यू नहीं, ये शरीयत में कसमें नहीं है। कसम सिर्फ वो होती है जो अल्लाह के नाम की हो या अल्लाह की सिफत की हो, यानी ये शरई कसम होती है, या अल्लाह की कसम या अल्लाह की सिफत की कसम। जिस तरह मसलन ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है, इसी तरह ये सब अल्लाह के नाम लिखे हुए, ये सब अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। तो अल्लाह के नाम की कोई कसम खाए या इन सिफतों में से अल्लाह की किसी सिफत की कसम खाए या कुरान की कसम खाए तो ये शरई कसम होगी और उसी का जो है पूरा करना जरूरी होगा, अगर वो उसने पूरा नहीं किया तो फिर उसके लिए जो है कफारा देना लाजिम होगा। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें कसम को मजाक बनाने से और कसम का मजाक उड़ाने से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और कसम की हकीकत को जानने के बाद अल्लाह के हुक्म पर अमल पैदा होने की तौफीक अता करे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.